अब पॉजिटिव स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आज बात करेंगे उस आर्मी की जिसका नाम सुनते ही छेड़छाड़ करने वालों की बोलती बंद हो जाती है। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी हो, उन्हें पढ़ाना हो या फिर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना हो, लखनऊ की रेड ब्रिगेड हर मोर्चे पर आगे है। बेटियों को सिखाए जा रहे हैं आत्मरक्षा के गुर। ये रेड ब्रिगेड का क्लासरूम है। छेड़छाड़ करने वाले सड़क छाप मजनुओं के इरादे कैसे नाकाम करने हैं, ये भी लड़कियों को यहाँ सिखाया जाता है। गुंडों को सबक सिखाने की हर ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर। अब मिली है उषा विश्वकर्मा से। रेड ब्रिगेड यही चलाती है, बेटियों की सुरक्षा इनका मिशन है, क्योंकि जुल्म और हैवानियत का दर्द अच्छी तरह समझती है। 2006 में मेरे साथ बलात्कार की कोशिश हुई। मैं बच तो गई, लेकिन एक मानसिक आघात पहुंचा। एक बात ये समझ में आई है कि अगर हम सुरक्षित नहीं है तो शिक्षा का मतलब नहीं है। तो सुरक्षा को लेकर के हम कितना लड़कियों के साथ काम कर सकते हैं ताकि वो साहस के साथ बाहर निकल सकें और अपने जीवन को जी सकें, उसको लेकर के ये हम लोगों ने काम शुरू किया 2011 से। जहाँ बर्दाश्त की हद खत्म होती है, वहीं से हिम्मत पैदा होती है। रेड ब्रिगेड इसी की मिसाल है। उषा के लिए जनसेवा का ये काम इतना आसान नहीं था। यहाँ भी उन्हें विरोध सहना पड़ा, ताने सुनने पड़े। वक्त बहुत कुछ सिखाता है, वो बदला और लोगों की सोच भी। 2012 में जब निर्भया केस हुआ, जब किया, और 2013 में जब हम ट्रेनिंग के लिए बोलने लगे, तो जहाँ पे हम रह रहे हैं वहीं के लोग अपनी बेटियों को निकलने नहीं देते थे और कहते थे वो क्या तुम मर्द बनोगे। लेकिन समय जब बदलता है और उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आज पेरेंट्स अपनी बच्ची को खुद लेकर के आते हैं कि कुछ ट्रिक सिखा दीजिए ताकि बच्ची हमारी अपने आप को सुरक्षित कर सके। 30 ट्रेनर अलग अलग जगह बच्चियों को आत्मरक्षा की तकनीक सिखाते हैं। कुछ महिलाएं हैं तो कुछ पुरुष। रेड ब्रिगेड की शुरुआत लखनऊ में हुई, अब इसकी ब्रांच देश के कई शहरों में है। इसके वॉलंटियर 2,00,000 लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। अभी हम लोग महिलाओं को उद्यमी बना रहे हैं, जैसे कि हमारे वहाँ कटहल पकवान के नाम से एक सेंटर चलता है, जो कि उसमें पूरा कटहल का ही खाना आपको मिलेगा। महिला कैसे उनको घर बैठे रोजगार मिल सके, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, आर्थिक रूप से स्वावलंबन हो सके, उसको लेकर के भी रेड ब्रिगेड काम कर रहा है। रेड ब्रिगेड ने 2005 में बेटियों की शिक्षा का काम भी शुरू किया, तब भी विरोध हुआ। 17 बार दर बदर होना पड़ा, लोन लेकर जमीन खरीदी, सेंटर शुरू किया। अब इलाके के लोग सपोर्ट करते हैं। रेड ब्रिगेड के जज्बे को हमारा भी सलाम। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।